रहीम, मैं अपने सारे बुज़ुर्गों का, बच्चों का, लेडीज़ का, माँ बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और इस फंक्शन को कामयाब किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप खड़े हुए हैं, हमें एहसास है, बस चंद मिनटों के बाद है, उसके बाद अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब रहती हैं, दो चार मिनट बोलेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ऊंचाई का अरेंज किया हुआ है। और बज़्मे अदब की टीम का माशाल्लाह खसूसन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैंने देखा है पहले वीडियो में भी, दूसरे तरीके से भी, और दो दिन से मैं आई विटनेस हूँ कि कैसे साहब नसीम साहब, शुक्रद्दीन साहब, उनकी सारी टीम बड़े अच्छे तरीके से लेके जा रही है। और डॉक्टर साहबान की जो टीम है, ग्रेजुएशन, ये सारे गांव के लिए है और सारी आपकी मेहनत है। देखो मैं इधर का हूँ, गांव का हूँ, ये नहीं भी मैंने पैसे दिए हैं या सैफुलनागरा ने पैसे दिए हैं, ये उनकी है, या किसी और दोस्त ने अगर कुछ डोनेशन डाला है उनकी है, ये आपकी है। हम तो हजारों मील आपसे दूर हैं, बड़े जैसे अफसर साहब बता रहे हैं कि इसको आगे हॉस्पिटल में कन्वर्ट करें, वो देख रहे हैं भाई एक लाइन लगी होती है और 40 से 50 पेशेंट ख़त्म हो जाते हैं, डॉक्टर साहब चले जाते हैं, उसके बाद भी लोग आते रहते हैं। इसके भी देखें कोई और डॉक्टर साहब का कोई अरेंज करें तो एक अच्छे तरीके से इसकी टाइमिंग भी थोड़ी बढ़ा दें, इवनिंग आवर में। अल्लाह ताला की ज़ात है, उसने इसको चलाना है, उसने इसको आगे लेके जाना है। प्लीज़ आपने एक कदम बढ़ाया है, देखिए एक साल पहले, दो साल पहले इस जगह के बारे में जिक्र हुआ था और क्या पोजीशन थी, वो आज देखें इसकी क्या पोजीशन है, और इसको एक अच्छे तरीके से और आगे लेके जाना है। ये आपने लेके जाना है, आपने गांव वालों के तामन से इसको लेके जाना है। देखिए अल्लाह ताला के ज़्यादा सारी अरेंज करती है। एक फंक्शन पे आपने जिक्र किया है, उससे मांगे जो भी है हो रही हैं ईस्ट अफ्रीका में, सात कंट्री में, उनकी मालियत तकरीबन $1 मिलियन है, 25 करोड़ 30 करोड़ हो गया तकरीबन उनके में सिर्फ एम्बुलेंस की, और एक दोस्त उठता है वो दो एम्बुलेंस दे देता है, दूसरा दोस्त होता है वो एक एम्बुलेंस दे देता है। देखिए हमने अपने बिजनेस से सदका जुकात निकालते रहते हैं और सबसे पहला राइट जो है वो उधर का है जहाँ से हम कमा रहे हैं, और हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम उधर ज़्यादा खर्च करें। जैसे दोस्त का नहीं है, तकरीबन 10 से 15 साल हो गए ना हम अटैच हैं उनसे, उनकी हर तरह की हेल्प करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमसे हेल्प ले रही है। देखें दुनिया में नेक लोगों की कमी नहीं है और पैसे वालों की कमी भी नहीं है, अगर हम नहीं ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात किसी और से ये काम लेगा। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें चुना है अवाम की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए। और दुआ कीजिएगा भी अल्लाह ताला की ज़ात OPGF को, बज़्मे अदब को राय रास्त पे रखे, हमें भटकने भी ना दे। शैतान भी साथ साथ होता है, और ये जो जगह है ये सारे गांव की है, सब की है, एरिया की है, जो भी है एम्बुलेंस से, जैसे सर बता रहे थे अल्लाह ताला की ज़ात ने एम्बुलेंस का भी अरेंज कर दिया है। वो ज़ीशान भैया हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने दोस्तों से बात करके आपको डोनेट किया, उनके लिए स्पेशल तालियां। इसको एक अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ें। एम्बुलेंस का हमें एक पहले भी एक्सपीरियंस है, एक जगह पे इन्होंने डोनेट की, वो कोई भी दोस्त आता अगर गुजरांवाला जाना है वो ले जाता था। इसको एक अच्छे मकसद के लिए यूज करें तो ये लॉन्ग टर्म चलेगी। उधर से हम इधर ले आए हैं, इसी वजह से वो मिस यूज हो रही थी। जब कोई भी कोई चीज़ मिस यूज होती है फिर वो देखते हैं कि ये क्या इसका हो रहा है, तो ये अब आपके पास आ गई है। देखिए जो मुस्तहिक हैं उनको दें, जो भी गांव का ज़रूरतमंद है, जिसको भी ज़रूरत है उसको ले जाए, इसको ड्राइवर के साथ है, वो सारी मैनेजमेंट के नंबर वगैरह आपसे शेयर हो जाएंगे।
मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगा, टाइम काफी हो गया। अल्लाह ताला की जात हम सब की हामी नासर। नाउ आई वांट टू इनवाइट ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ युगांडा, प्लीज कम एंड गिव अस सम वर्ड्स। ਪਲੀਜ਼ ਮਨ ਥਲਿਓ ਲਾ ਕੱਟ ਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ।